मोबाइल की जो जनरेशन होता है, जनरेशन का मतलब उसमें जो सुधार होता है उसे को ही हम जी कहते हैं, जी मतलब जनरेशन। अब ये 1G 2G 3G 4G ये सब जो थे सर ये जनरेशन थे। ये कब आए थे सर, यहाँ पे आप देखेंगे 1G आया था 82 में आया था, ये 1992 में आया था, 2G 2001 में आ गया था आपका, 3G और 2012 में ही आपका 4G आ गया था, लेकिन हम लोग को नहीं मिला था, हम लोग को बाद में मिलना चालू हुआ। दुनिया यूज कर रही है 5G, अभी हम लोग इंडिया में अभी 5G यूज के लिए नहीं है, अभी ट्रायल चल रहा है, इसको 1 से 2 साल में ये पब्लिक के लिए दे दिया जाएगा। अब इसमें मेन अंतर क्या होते हैं समझिए ध्यान से, 1G जो मोबाइल था उसकी स्पीड बहुत कम थी, लगभग 24 KB का था, सोचिए एक इमेज अच्छा से नहीं भेज पाएंगे वहां पे, और इसकी मोबाइल जो थी वो उसमें एक एंटीना निकला रहता था बहुत बड़ा साइज का, और इसकी सबसे बड़ी खराबी क्या थी, स्पीड कम था और इससे आप मैसेज नहीं कर सकते हैं, केवल कॉल करेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 1G टेक्नोलॉजी था वो डिजिटल कुछ लिख नहीं सकता था, ये केवल एनालॉग सिग्नल भेजता था और कॉल कर सकता था। इससे सुधार के हम लोग लेके आए लोग 2G को, और ये 2G 1990 के एक दशक में आया था, और इसकी स्पीड 64 KB/s की थी। तो स्पीड तो बढ़ ही गई, लेकिन उतना भी क्या केबी में स्पीड दे रहा है, कौन सा स्पीड है। लेकिन इसकी एक और खासियत क्या हो गई कि ये वॉइस तो करता ही था, इसके साथ साथ यहाँ देखिए मैसेज का साइन है, आप इससे मैसेज भी लिख के भेज सकते थे हाय हेलो, और याद कीजिए आप वो टाइम जब एक मैसेज करने का 1 रुपया लगा करता था, तो इससे मैसेज भी कर सकते थे। इसके बाद जब आया 3G तो पहली 3G जो थी वो MB में स्पीड देना चालू किया, और इसका फायदा ये हुआ कि आप बात तो कर सकते हैं मैसेज भी कर सकते हैं, साथ साथ आप इंटरनेट भी चला सकते थे, गूगल वगैरह सर्च करते थे। नोकिया वाला मोबाइल में पहले जो था टॉर्च और जलता था उसमें नेट और थोड़े चलता था, इसमें एक गेम होता था सांप वाला, इसे याद होगा आप लोग को। तो यहीं से आपका नेट का काम चालू हुआ और यहीं से यूट्यूब वगैरह देना चालू कर दिया। लेकिन इसकी खराबी क्या थी, 3G जो था उसमें यूट्यूब चलता था ना बड़ी बफरिंग करता था, देखते होंगे एक तो गोल गोल घूमते रहता था, जिस वजह से इसमें 3.5 लाया गया, 3.7 लाया गया, तो मतलब इसी से थोड़ा थोड़ा और सुधारा गया ताकि उसमें बफरिंग कम हो सके 3G में। 3G में ये सब मोबाइल वगैरह आने लगे सब, जिसको आप मल्टीमीडिया मोबाइल कहते थे, 3G के उसमें आ गए। अब उसके बाद जब मेन लॉन्च हुआ 2009-10 के पास आपका 4G का जो मेन प्रोटोकॉल चालू हुआ, तब इसमें क्या हुआ 100 Mbps का स्पीड आपको मिलना चालू हो गया, और यहीं से आप वीडियो कॉलिंग चालू किए थे। इधर आपका वीडियो कॉलिंग, आपका जो वो मल्टीमीडिया मोबाइल था उसमें वीडियो कॉलिंग नहीं किए होंगे, तो ये फैसिलिटी दे दिया 4G आपको वीडियो कॉलिंग का। आज जितना भी मोबाइल वगैरह देख रहे हैं लोग वो 4G है, कई कई तो 5G भी मोबाइलें आ गई हैं, हालांकि 5G बहुत जल्दी हम लोग को सर्विस मिलेगा, अब आने वाला है 5G इंडिया में बहुत जल्दी। इसकी खासियत क्या होगी, ये सेम 4G की तरह होगा लेकिन उससे स्पीड ज्यादा होगा और एडवांस ज्यादा होगा। ये मोबाइल के साथ साथ दूसरे चीज को कनेक्ट कर देगा, आप अपने कार को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो जैसे यहां मोबाइल में घुमाइए उधर कार घूम रहा है, फ्रिज को कनेक्ट कर दीजिए 5G, तो फ्रिज में भी 5G टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और दरवाजा खोलना है तो यहीं से खोल दीजिए, इन्वर्टर बंद करना है यहीं से कर दीजिए। आप पता चले हैं, आप मान लीजिए गए हैं दिल्ली, आपका घर है चेन्नई में, आप भूल गए कि जो इन्वर्टर तो बंद नहीं किए, तो 5G टेक्नोलॉजी रहेगा ना, तो वहीं से ऑफ कर दीजिएगा तो वो ऑफ हो जाएगा, बल्ब वगैरह जला सकते हैं बुझा सकते हैं, तो वो सब ऐसा नहीं है कि केवल मोबाइल 5G हो जाएगा, घर में आपका 5G है ये नहीं है तो नहीं होगा, उसमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। तो आज के समय 5G की ओर जा रहा है, लेकिन हम लोग वर्तमान में 4G यूज कर रहे हैं और एक काफी लंबे समय तक 4G यूज करेंगे। आजकल जितनी भी मोबाइल आ गई हैं सब वोल्टी आ गई हैं, वोल्टी को गोली मारी अब तो 5G आ गए हैं सब। और एक और अफवाह उड़ रहा है कि 5G का जो ट्रायल हो रहा है उसके वजह से जान चली जा रही है, एकदम अफवाह है भैया। 5G का ट्रायल महाराष्ट्र और दिल्ली के एरिया में बहुत छोटे से एरिया में हुआ, वो भी कोविड से पहले हुआ था वो ट्रायल वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पता है कि सरकार चिल्लाते रह जाए या डॉक्टर चिल्लाते रह जाए कि वैक्सीन लीजिए, ये रातों रात नहीं बनता है, लेकिन 5G के ट्रायल की वजह से जान जा रही है। ये ऐसा नहीं है, जो नया वायरस आया है ना डबल म्यूटेंट है, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, इस वजह से ये ज़्यादा सीरियस डाल रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि इसके वजह से लोगों की जान जा रही है, ऐसा नहीं है। ये पहले वाला जो कोरोना था 7 दिन में फेफड़ों को जितना नुकसान करता था, ये कोरोना 2 दिन में ही उतना ही कर दे रहा है, इस वजह से ज़्यादा खतरनाक है, मौका नहीं दे रहा है ये वाला कोरोना, इसको 5G से कोई लेना देना नहीं है। आप वैक्सीनेशन कराइए अगर आपकी जान प्यारी है, तब इसराइल जो है आप देखिए, इसराइल ने अपने आप बहुत बड़ा त्यौहार भी मना लिया जिसमें 1.5 लाख लोग वहां पर उपस्थित थे बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, इतने लोग इकट्ठे थे कि भगदड़ में 30 लोग की जान चली गई। कैसे ये पॉसिबल हो गया, हम लोग यहाँ घर में घुस के बैठे, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, वैक्सीन में कोई ऐसा नहीं है। सोचा कुछ कुछ जो वैक्सीन के बारे में अफवाह फैला रहे, सोचा को जेल में डाल देना चाहिए, सोचो को यहाँ पे अजीब अजीब है सर, अफवाह पे मत जाइए। देखिए बचपन में भी हम लोग को बहुत अफवाह उड़ाया गया था कि मेढक मार दोगे तो कान पक जाता है, कौन सी कान
पकेगा। स्कूल जाते थे लोग तो कहते तो पेंसिल का ये जो छिलका होता है इसको दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है। मोर के पंख को हम लोग चौक खिलाते थे लोग, अजीब हालत है यहाँ पे। कहते बर्तन में खाना मत खाओ जिसमें बनता है, नहीं तो शादी में बारिश होने लगेगी। सूप जो चावल फटका जाता है आगे मत जाओ नहीं तो देर से ब्याह होगा या फिर दहेज नहीं मिलेगा। बगुला उड़ के जाएगा तो बगुला बगुला तार दे सोने के तलवार। ये सब क्या था? ये सब अफवाहें थी। तो हम हिंदुस्तानियों को बचपन से ही आदत है कि गुल्लर के फूल पड़ जाता है तो कोई चीज़ खत्म नहीं होता है, तो इस अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वैक्सीन कारगर है, आप अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। आई होप आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।